स्टील पर कभी भी खारे पानी के निशान लग जाए ना, जिस तरह से देख सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा कभी कभी खराब कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, पानी के जब इस पे पानी रह जाता है तो सूख जाता है, तब जा करके ये इस तरीका के दाग होते हैं। तो इसको क्लीन करने का रामबाण तरीका बताने वाला हूँ। चाहे कोई भी स्टील की का सिस्टम हो, आप उसको सेकेंडों में क्लीन कर सकते हैं। चाहे स्टील की मतलब नल है वाश बेसन की, चाहे सिंक है, चाहे चिमनी है, चाहे स्टील के बर्तन बाल्टी, कोई भी चीज़ हो A to Z स्टील की, आप सेकेंडों में क्लीन कर सकते हैं। बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ। वीडियो को कहीं से भी कट नहीं करना है, वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने ये रिव्यूज है, ये देख सकते हैं, ये छिलका है लेमन का, लेमन निचोड़ करके जो छिलका रह जाता है वो छिलका मैंने लिया है। यहाँ पे मैंने देखिए आधा चम्मच मात्र पाउडर इसके अंदर पाउडर डाला है। ठीक है, चलिए तीसरी चीज़ और इसके अंदर मैं डालता हूँ। ये रामबाण तरीका है स्टील को चमकाने का। देखिए तीसरी चीज़ जो है ये पीताम्बरी है, इसके बारे में जानकारी दे चुका हूँ। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर व्हाइट पाउडर है, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा एंड में वीडियो के। तो वीडियो को कहीं से भी कट ना करें, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, छोटा वीडियो होगा ये। देखिए इस तरह से अब ये रामबाण तरीका बन गया किसी भी स्टील को चमकाने का बेहतरीन तरीका। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसे ऐसे यूजफुल टिप्स मैं लाता रहता हूँ इस चैनल पे। सबसे पहले कभी भी किसी स्टील को क्लीन कर रहे हैं, केवल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इतना गंदा नहीं है, केवल पानी के वाइट जैसे दाग लगे हुए हैं, जिसे बोलते हैं खारे पानी के निशान। गीला करना है, ठीक है, जिस भी स्टील को आप साफ करने जा रहे हैं, फिर उसको रगड़ना है आपको इस तरह से। कहीं से भी कोई पार्ट मिस ना करें, पूरा वीडियो एंड तक देखें, बहुत ही खास वीडियो है, काम का वीडियो है ये। स्टील का सिस्टम हर घर में होता है कोई ना कोई, बहुत लोग तो हार्पिक से काला कर लेते हैं स्टील को, उसके असर को भी ये खत्म कर देता है 2-4 बार के प्रयोग से ही। पहले ही बार में 90% रिजल्ट देता है, हार्पिक के जो असर होता है कालापन उसको खत्म करता है। देखिए इस तरह से रगड़ना है 2-4-5-7 मिनट तक, जिस भी स्टील को आप क्लीन कर रहे हैं। आप कहोगे कि ये पहले हमें क्यों नहीं पता था। और तीनों केमिकल इतनी सस्ते हैं, ये लेमन है, छिलका है, कोई पैसा खर्चा नहीं है इसमें। पीताम्बरी पाउडर आधा चम्मच लिया है मैंने, जिसकी कीमत मान लो 1 रुपये या 2 रुपये बस। तीसरा भी बहुत ही कम खर्चे में, जिसको मैं आगे बताने वाला हूँ। इस तरह से रगड़ना है किसी भी स्टील की चीज को। देखिए नीचे भी स्टील का सिस्टम है, इसको भी हम इस तरह से रगड़ देंगे। जितना भी कालापन है देखिए छिलके के अंदर आ गया, जितनी भी धूल मिट्टी है कालापन है सब। इस तरह से कभी जीवन में भी ये खराब होने वाली नहीं है, चाहे कोई भी स्टील की चीज हो, जीवन में भी इस तरह से अगर ख्याल रखेंगे हम। हार्पिक तेजाब कभी भी यूज ना करें स्टील पर। चलिए इसको धो लेते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से कोई भी स्टील हो बिल्कुल चमक उठेगी, जैसे अभी नया बिल्कुल लगाया हो इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम चमका सकते हैं। तो देखिए इस तरह से क्लीन कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली टिप्स में, तब तक के लिए नमस्कार।